हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार श्री राम भक्त हनुमान का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में हुआ था। कहते हैं कि इस दिन बजरंगबली की विधि विधान से पूजा करने वालों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जयंती इस बार शनिवार 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। हनुमान जी की उपासना के लिए ये दिन बहुत ही उत्तम माना गया है। हनुमान जयंती पर पूजा के लिए इस बार एक विशेष योग भी बन रहा है। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि शनिवार 16 अप्रैल को देर रात 2:25 से प्रारंभ होकर रविवार 17 अप्रैल को दोपहर 12:24 पर समाप्त होगी। इस दिन हस्त और चित्रा नक्षत्र रहेगा। हनुमान जयंती पर सुबह 5:55 से लेकर 8:40 तक रवि योग भी रहेगा। रवि योग में भगवान की पूजा करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस अवधि में आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से हर संकट दूर हो जाता है। हनुमान बहुत ही दयालु व शक्तिशाली हैं और इनकी थोड़ी सी कृपा आपके जीवन को खुशियों से भर सकती है। बजरंगबली जहां मेहरबान हो जाएं, वहां धन के भंडार कभी खाली नहीं रहते, लेकिन इनकी पूजा में जरा सी चूक बड़े संकटों को न्योता दे सकती है। आइए जानते हैं कि हनुमान जयंती पर भक्तों को कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए। चरणामृत। हनुमान जी की पूजा करने वाले बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उनकी पूजा में कभी चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा करने के कई अशुभ परिणाम हो सकते हैं। स्त्रियों का स्पर्श। हनुमान की पूजा करते वक्त ब्रह्मचर्य व्रत का बड़ी सख्ती से पालन करना पड़ता है। बाल ब्रह्मचारी होने की वजह से हनुमान स्वयं स्त्रियों के स्पर्श से बचते थे, इसीलिए पूजा के दौरान महिलाओं को उनकी प्रतिमा स्पर्श नहीं करनी चाहिए। सूतक काल। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सूतक काल में हनुमान की पूजा नहीं करनी चाहिए। सूतक काल तब माना जाता है जब घर में किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये सूतक व्यक्ति की मौत से 13 दिन तक मान्य होता है। काले सफेद कपड़े। ध्यान रहे कि काले या सफेद रंग के कपड़े पहनकर कभी हनुमान जी की पूजा नहीं करनी है। ऐसा करना बहुत अशुभ होता है। बजरंगबली जी की पूजा में केवल लाल या पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। टूटी हुई मूर्ति। हनुमान जी की पूजा में टूटी हुई या खंडित मूर्ति का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर घर में हनुमान की कोई फटी हुई तस्वीर है तो उसे भी तुरंत हटा दें। दिन में ना सोएं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो भूलकर भी दिन में सोने की गलती ना करें। इसके अलावा नमक का सेवन ना करें। दान में दी हुई चीजों का भी सेवन आप ना करें। इन गलतियों से भी बचें।
हनुमान जन्मोत्सव के दिन कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना भी जरूरी है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें, शारीरिक संबंध ना बनाएं, क्रोध में आकर किसी को अपशब्द भी ना कहें।